दादा चंपा सोरेन प्रकरण पर, क्योंकि अब उन्होंने अलग आंदोलन के साथ ही देखिए चंपा सोरेन जो कुछ कर रहे हैं वो उनके लिए आत्मघाती कदम है। 40 साल से जो उन्होंने सम्मान कमाया वो किसी के बहकावे में आकर उस सम्मान को उन्होंने खुद गंवाने का काम किया है। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तौर से उनके खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सम्मान उनको हेमंत जी ने दिया कि अपनी अनुपस्थिति में झारखंड की बागडोर उनको सौंप दी, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मैं अपनी घड़ी अगर आपको दे रहा हूँ, अभी इसको पहन लिए थोड़ी देर के लिए और वापस मैं लेता हूँ, तकलीफ की कौन सी बात है। उनको तो इतना बड़ा अचीवमेंट मिला था कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, इतना अधिक विश्वास था क्योंकि वो गुरुजी के साथ ही रहे हैं, गुरुजी के साथ रहकर आंदोलन किया उन्होंने, उनको बहुत सम्मान मिला। आज भी हेमंत जी या उनका पूरा परिवार उनको सम्मान करता है, हेमंत जी चाचा बोलते हैं, तो इससे बड़ा और क्या सम्मान है। परिवार के एक गार्जियन के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे लोग और हर योजना में हर काम करने के पीछे उनकी सलाह ली जाती थी। अब इतना बड़ा सम्मान उनको नहीं पच रहा है तो ये दुर्भाग्य है। एक सवाल के पात्र हो जाएंगे तो जिस बच्चे का भी उम्र 21 साल पूरा होगा वो योजना की पात्र होगी और उनको ये पेंशन ये जो सम्मान राशि है वो मिलना शुरू हो जाएगा। कल बीजेपी युवा मोर्चा की किस बात का आक्रोश मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सदन चलता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते बोलने के लिए, तो क्या झारखंड सरकार अच्छा काम करे उसके लिए आक्रोश है उनके मन में, या हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गया उसका आक्रोश है। उनकी सारी योजनाएं फेल हो गई, उनका सारा षड्यंत्र फेल कर गया। अब तो कोर्ट ने मान लिया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई केस बनता नहीं था और ये केवल षड्यंत्र का था जिनको अपने एजेंसी का इस्तेमाल किया गया और उसमें फर्जियत एजेंसी की भी हुई है। न केवल हाईकोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी ने बोला कि ये केस चलने वाला नहीं है, कोई बेस नहीं है इसका। तो अब तो कम से कम भाजपा के लोगों को शर्म करना चाहिए और ऐसे आक्रोश रैली करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि झारखंड में जो विकास योजना चल रही है उसके प्रति उनका आक्रोश है, या वो चाहते हैं झारखंड पिछड़ा रहे। अब जब झारखंड आगे बढ़ रहा तो उनके मन में आक्रोश हो रहा है, विकास योजना उनको पच नहीं रही, ये बात सही है।